बढ़ती कीमतों को लेकर जनता के आंसू निकाल रहे प्याज को लेकर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार सत्ता से बाहर होने की तिथि बताए क्योंकि सरकार से प्याज की कीमतें ही संभाली नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में कहते फिरते थे कि प्याज को रखने के लिए लॉकर खुलवाने पड़ेंगे और तत्कालीन यूपीए सरकार को सत्ता से रुखसत करने की बातें करते थे, जबकि तब प्याज के दाम 50 रुपए से भी कम थे और अब प्याज 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ऐसे में मोदी बताएं कि प्याज के लिए लॉकर कब खुलवा रहे हैं और कब तक सत्ता छोड़ रहे हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि गत 6 साल पहले कांग्रेस को सलाह देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कही बात पर कब अमल कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों को नसीहत देने से पहले उस पर खुद भी अमल करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि वे प्याज नहीं खाती, तो क्या उनकी देखा देखी जनता भी प्याज खाना छोड़ दे। पगड़ी रस्म और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से राज्य स्तरीय हमीर उत्सव का आगाज हो गया है। उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पगड़ी पहनाने के बाद शहर में शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें खुली जीप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, विधायक नरेंद्र ठाकुर, कमलेश कुमारी ने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। बाद में शिव मंदिर परिसर में जाकर विधिवत पूजा अर्चना करके हमीर उत्सव का शुभारंभ किया गया। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दीप प्रज्वलित करके उत्सव का शुभारंभ किया, तो हमीर पत्रिका का भी विमोचन किया। पहली सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार पंजाबी सूफी गायक कंवर पाल सिंह ग्रेवाल ने अपनी सुरीले आवाज से जादू बिखेरा और दर्शकों ने भी सूफी गानों का लुफ्त उठाया। ग्रेवाल ने मस्त बना देंगे बीबा गाना गाकर जनता को नाचने पर मजबूर कर दिया, तो और भी सूफी गाने सुनाकर माहौल को मस्त बना दिया। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन किया। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बधाई दी और कहा कि हमीर उत्सव हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को मजबूत करने के लिए उत्सव मनाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुरानी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए सरका घाट के विधायक कर्नल इंदिर सिंह ने हमीरपुर में मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात की। हमीरपुर में शिमला रवाना होने से पूर्व मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट के नाम पर अपने 150 से 200 समर्थकों के साथ भाजपा विधायक पहुंचे। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा के मद्देनजर हर कोई अपना दावा जताने की कोशिश कर रहा है और ये भेंट भी उसी सिलसिले में थी। वहीं हमीरपुर के दोनों विधायक नरेंद्र ठाकुर और कमलेश कुमारी भी अपने समर्थकों के साथ अपनी दावेदारी जताती नजर आई। हमीरपुर तकनीकी विश्वविद्यालय के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार देगी। इसके अलावा लमलू को उप तहसील का दर्जा मिलेगा। ये घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में की। उन्होंने कहा कि जिला में 135 करोड़ रुपए के लोकार्पण व शिलान्यास करते हुए खुशी हो रही है। ये विकास की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर जिला के मटहानी में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस पी बंसल एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से
मुख्य अतिथि जयराम ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय के भवन एवं इसके विकास में सरकार हर संभव बजट देगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय इस उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए शिलान्यास के साथ ही उस कार्य को पूरा करने के प्रयास किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे कम बोलते हैं लेकिन काम में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कटाक्ष किया कि शोर मचाना कांग्रेस का काम है, भाजपा विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने चारों सीटें तो जीती है, साथ में प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर भी लीड बनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बोलती रही कि अब धर्मशाला और पच्छाद में सबक सिखाएंगे लेकिन कांग्रेस धर्मशाला में जमानत गवा बैठी और पच्छाद में भी कांग्रेस हार गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत खस्ता कर दी।